अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा, सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो मेकअप के बारे में है, मेरा मेकअप कलेक्शन के बारे में है। और मैंने आज कुछ सफाई वगैरह भी करनी है अपनी मेकअप की, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाई जाए, बिकॉज़ यू गाइज़ वॉन्टेड टू सी माई मेकअप कलेक्शन। तो या फिर आप लोग सोच रहे होंगे मेकअप कलेक्शन दिखा रही है, खुद ने मेकअप नहीं किया। तो मैंने सिर्फ इसी वजह से मेकअप नहीं किया क्योंकि आई वॉन्टेड यू गाइज टू नो कि मेकअप इंसान की चॉइस होती है, कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। दूसरा ये कि आप जब चाहे मेकअप कर सकते हो, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आपको कब मेकअप करना है। आपका मूड नहीं है मेकअप करने का, नहीं करो। अगर आपको किसी बड़े इवेंट में जाना है मेकअप नहीं करना, नहीं करो। और अगर किसी छोटे इवेंट में आपको बहुत सारा मेकअप करना है, आप करो, बिकॉज इट्स योर चॉइस। आप अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो, पहली चीज़ ये कि बिल्कुल शो ऑफ नहीं है। तो बिकॉज़ इसके भी रीज़न है, मेरे पास ये जितना भी मेकअप है ना जो आप देखने वाले हो, ये सब आप लोगों की वजह से मुझे मिला है। और मैंने कुछ भी इसमें से 95% मुझे मिला है मेकअप, और 5% मैंने खुद ख़रीदा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेगा। तो ये बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं है, जितना भी मेकअप है आप लोगों की वजह से। दूसरा ये, अगर एक आर्टिस्ट, एक पेंटर है, उसके पास पेंट्स नहीं होंगे तो फिर वो पेंटर थोड़ी होता है, वो प्रैक्टिस कैसे करेगा। तो मेरा काम भी मेकअप का है, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा मेकअप है। और खैर ये बात मैंने क्लियर कर दी, इससे बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं होना। इतना मेकअप किसी नॉर्मल बंदे के पास नहीं होता। अगर उसके पास कोई काम है मेकअप का, तो ऑफकोर्स ही और शी कैन हैव इट, लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं होना। मैं रोज़मर्रा में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ, ये सब यूज़ नहीं कर रही होती। और अगर किसी के पास है और वो यूज़ नहीं करता, तो ये भी बेकार चीज़ है, सही है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं होना। मैंने सिर्फ आप लोगों को कलेक्शन दिखाना है, कुछ सफाई करनी है, और हम लोग फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये ड्रॉज है, ये मेरी अलमारी है बेसिकली, जिसमें मैं मेकअप कर रखती हूँ। ये पूरी बिखरी हुई है और मैं सब कुछ समेटती रहूँगी और साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। इन सारे बॉक्सेस में मेरा मेकअप होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली हैं और ये सब बहुत बिखरा हुआ है और ये भी हम समेटेंगे। ये बॉक्स है, इसमें है मेरे ब्रशेस जो मैंने एक दिन पहले पूरे साफ़ सुथरे करके, बंडल करके, क्योंकि मैं ब्रशेस क्लीन करती हूँ, तो वो सब करके मैंने रख दिया है। इसके अलावा ये बॉक्सेस में लाशेस हैं और काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, उन सारी चीज़ों उन सब में ना ऐसी ही चीज़ें पड़ी हुई, जैसे ये वाला बॉक्स है पूरा बिखरा हुआ, ये वैनिटीज़ हैं, कुछ मेरे पीआर बॉक्सेस हैं। ये वाला जो बैग है, इसमें मेरी वो चीज़ें हैं जो मैं ऑलमोस्ट डेली यूज़ कर रही होती हूँ। इसमें सारे ग्लिटर्स पड़े हुए हैं और इसमें है ब्यूटी ब्लेंडर। तो सबसे पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर साफ़ करूँगी। मैंने अपने सारे ब्यूटी ब्लेंडर एक बाल्टी में डाल दिए, गर्म पानी था उसमें, और ये मैंने अपना मेकअप रिमूवर डाला है और थोड़ा सा फेस वॉश भी डाल दिया है। अब मैं इनको ऐसे साफ़ करूँगी, स्क्वीज़ करती रहूँगी, साफ़ करती रहूँगी, सबको एक साथ ही कर दिया है। फिर उसके बाद जब ये अच्छे से साफ हो जाएंगे, इनको एक खुले पानी से मैं एक एक करके साफ़ करूँगी। ये डेटॉल का पानी है, इसमें मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर डाला है, और इस तरह से मैं अपने सारे ब्यूटी ब्लेंडर साफ़ करके एक जगह रख दूँगी। अब जब ये सूख जाएंगे, जब तक मेरा मेकअप भी सारा सिमट जाएगा, ये सारा मेकअप। सबसे पहले मैं अपने नेल कलर्स को समेटूंगी। ये सारे नेल कलर्स हैं मेरे पास और कसम से एक भी मैंने नहीं ख़रीदा, ये सब पीआर पैकेजेस में से आया। ये बॉक्स भी कोई पीआर पैकेज था, खुदा का बॉक्स है, तो उसमें मैंने सारे नेल कलर ऐसे लगा दिए। अब मैं ये सारे बॉक्सेस इस तरह करती जाऊंगी, एक एक करके साइड करती जाऊंगी। अब मैं अपनी सारी फाउंडेशंस रख रही हूँ, इसमें ये बॉक्स है, ये भी मुझे पीआर में मिला था, और इसमें से 2 या 3 फाउंडेशन होंगी जो मैंने खुद ख़रीदी हैं, और ग्लैम गर्ल्स की कुछ फाउंडेशन है जो मैंने खुद ख़रीदी है, बाकी सब मुझे पीआर में आया था। तो ये फाउंडेशन वाला भी साइड में हो गया। मैं बेसिकली प्रोडक्ट्स को साइड करती जा रही हूँ एक एक बॉक्स में रख के। ये सारी लिप कलर्स हैं, ये बॉक्स मैंने लिप कलर्स के लिए रखा हुआ है। अभी मैं सारी लिप पेंसिल्स को अलग कर रही हूँ, मैट लिपस्टिक्स को अलग करूँगी, जो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ न्यूड्स उनको अलग करूँगी, छोटी छोटी को अलग रखूँगी। इस तरह करके मैं ये बॉक्स को फिल कर रही हूँ, अपने सारे लिप कलर्स को इस बॉक्स के अंदर सेट कर रही हूँ। तो ये बहुत ईजी रहता है, ये बॉक्स भी मुझे पीआर में ही मिला था। तो ये इस तरह से मैंने सारी जो है लिप कलर्स को एक जगह कर लिया है, और ये
बहुत सारी ना जगह भी सेव करता है। अब आ जाते हैं लैशेस पे। लैशेस का ये है कि मेरे कुछ ये वाली लैशेस है जो मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज़ करती हूँ, कुछ लैशेस हैं इस तरह की जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, कुछ बॉक्सेस में हैं, तो मैं ये सारी एक जगह कर रही हूँ। लैश ग्लू वगैरह भी इसी के अंदर होता है मेरा। लैशेस को साफ़ करती जा रही हूँ। कुछ काफ़ी सारी लैशेस जो होती है ना, हम लोग लगा लगा के इधर उधर छोड़ देते हैं, तो मैं उनको एक बॉक्स में रखती हूँ और फिर उसके बाद बाकी सारी लैशेस को अपने उन्हीं कंटेनर में रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने लैशेस वाला एरिया भी कर लिया सुकून से, और ये बॉक्स भी हमारा हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। और ये आप देख सकते हैं इतनी सुघर लड़की, उफ। तो ये बॉक्स भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग ग्लिटर्स के ऊपर। ग्लिटर्स मेरे पास बेशुमार हैं क्योंकि मैं आई मेकअप में बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स यूज़ करती हूँ, और कसम से इसमें से भी मैंने कुछ भी खुद नहीं ख़रीदा है, ये PR में मुझे आया है। तो जी मैं सारे डब्बे शब्बे अलग रखूँगी, जो अलग अलग ग्लिटर्स हैं उनको अलग रखूँगी। ये आप देख सकते हैं स्वाचेस ग्लिटर के भी मैं बीच में करती जा रही थी, क्योंकि जब आपके सामने मेकअप होता है ना, आपको दिल करता लगाने। खैर ये सारे जो हैं ब्रांड्स, जो अलग अलग ब्रांड है उसका मैंने अलग अलग करके साइड में करके ग्लिटर्स को रख दिया है। इस तरह रखा है कि अगर मैं जब खोलूँ बॉक्स तो मुझे सामने वो कलर दिख जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अगर आप इस तरह से डाल दो कि आपको ढूंढने में मसला हो, तो फिर वो सदियाँ हो जाती हैं आप यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से मैंने अपने सारे ग्लिटर्स को सेट कर दिया है। ये बॉक्स मेरा फेवरेट है बिकॉज़ इट्स लाइक ब्लिंगी ब्लिंगी, और मुझे ग्लिटर्स बहुत पसंद है। ये बॉक्स भी हमारा हो गया है कंप्लीट, और अब हम इसको बंद करके साइड में कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी वैनिटी बॉक्स पे। ये वैनिटी बॉक्स काफ़ी ज़्यादा सुधरी हुई है, और इसमें मैं अपने लाइनर्स, मस्कारा, ग्लिटर्स, वो वाले रोल ऑन ग्लिटर्स हो गए और फैंसी लाइनर्स हो गए, ये सब रखती हूँ। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट ये वाली वैनिटी काफ़ी ज़्यादा सुधरी हुई थी। बस मैं ना चीज़ों को इधर से उधर कर रही हूँ, कि जैसे लाइनर्स को अलग कर रही हूँ, मस्कारा को अलग कर रही हूँ। जैसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें मैंने कलरफुल लाइनर्स रख रही हूँ, लाइनर के वो ब्रशेस रख रही हूँ, और ये जो ग्लिटर्स हैं ये हैंग फेंग के ग्लिटर्स हैं। मिस रोज़ का ग्लिटर पड़ा हुआ है, स्टेला का ग्लिटर पड़ा हुआ है, तो ये सारा वो वाला एरिया है। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है इसमें सारा मेरे मस्कारा है, आई पेंसिल्स हैं। इसमें से एक एक दो मस्कारा जो मैं लेकर आई थी दुबई से, इसके अलावा मैंने इसमें से भी कुछ नहीं ख़रीदा। मैं बहुत कंजूस हूँ मेकअप के मामले में, मैं बहुत कम चीज़ें खुद ख़रीदती हूँ, मैं दूसरों पे ज़्यादा लगाती हूँ और जो है अपने ऊपर इतना नहीं लगाती, तो मेरे साथ ये सीन है। खैर ये जो मेरा ये वाला पार्ट है इसमें सारा मेरे मैंने ये रख लिया। ये वाली वैनिटी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें रख रही होती हूँ। जैसे लास्ट वाला पार्ट है मैं उसका बताऊँगी आपको। ये जो फोर्थ वाला पार्ट था ना, इसमें मैंने सारे अपने पिगमेंट्स रखे हैं, आई शेडो पिगमेंट्स वगैरह। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसमें मैं वो सारी चीज़ें रख रही हूँ जो मैं ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो सामने होना ज़रूरी है। ये आई शेडो शील्ड्स हैं, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ से मिलती है, ये अलीएक्सप्रेस से मैंने मंगवाई थी, यहाँ से भी मिल सकती हैं, इसको कहते हैं आई शेडो शील्ड्स। अच्छा ये वाले जो पार्ट है इसमें मैं वही सारी चीज़ें रख रही हूँ जो मुझे ज़्यादा यूज़ करनी होती है ट्यूटोरियल में, या मेरी फेवरेट्स हैं। तो ये मेरी वैनिटी हो गई है कंप्लीट, और बहुत मज़े की लग रही है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब जो मेरी ये वाली वैनिटी है ना, ये मेरी 10 साल पुरानी वैनिटी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दी थी जब वो अमेरिका जा रही थी, उसने अपनी सारी चीज़ें निकाल ली थी, उसने मुझे वैनिटी दे दी, तो इसका बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, लेकिन मैं इसको फेंकूँगी नहीं क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की है। खैर इसमें मैं अपनी वो सारी चीज़ें रख रही हूँ जो एक्स्ट्राज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, या दो दो तीन तीन है क्योंकि PR में आया हुआ होता है, या तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो टूट गई हैं, तो ये एक्स्ट्रा वाले वैनिटी है, इसमें वो सारी चीज़ें रख रही होती हूँ। जैसे बहुत सारा सेटिंग स्प्रे है तो उसमें रख लेती हूँ। अब आ जाते हैं द मेन थिंग। ये पूरा बॉक्स है, कोई 25 से 30 किलो का ये बॉक्स है, और इसमें सारी मेरी आई शेडो पैलेट्स हैं, मैंने सारी खोल के सजाई हैं यहाँ पे क्योंकि मुझे बड़ा दिल कर रहा था, और ये सारी मेरी आई शेडो पैलेट्स हैं, और कसम से इसमें से भी एक या दो हुदा की पैलेट से जो मैंने ख़रीदी हैं, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, सब मुझे PR में मिला है। एक ग्लैमरस की पैलेट भी मैंने ख़रीदी थी खुद। मैं इनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और इन सारे पैलेट्स को मैं एक जगह रख दूँगी। अच्छा इसमें आई शेडो पैलेट्स भी हैं, इसमें कॉन्टोर पैलेट्स भी हैं, इसमें ग्लिटर पैलेट्स भी हैं, इसमें अलग अलग तरह की पैलेट्स है सारी। तो ये बॉक्स मुझे PR में मिला था, ये कोई फेशियल किट का बॉक्स था, बहुत बड़ा सा बॉक्स है,
आप इस तरह से ना अपने मेकअप को ना बॉक्सेस में भी रख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपकी स्पेस बच जाती है। क्योंकि मेरा अपना कोई ऐसा सच रूम नहीं है, मेरी एक सिर्फ वार्डरोब है, तो मैं उस एक वार्डरोब में मेकअप सारा रखती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बॉक्सेस में रखूँ ताकि अलग अलग होता रहे, और जब मैं यूज़ करूँ तो मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ किधर है। तो जी ये मेरा पूरा हो गया है ख़त्म। अब देखिए सारा मेकअप हो गया, ये मुझे कोई 3 या 4 घंटे लगे थे, तो इस दौरान मेरे सारे ब्यूटी ब्लेंडर हो गए हैं साफ सुथरे और मैंने उनको एक बॉक्स में डाल दिया है। अब ये देखें, ये मेरी जो है ना ये पार्ट है, इसमें मैं रखती हूँ सारा मेकअप। मैं इसको डिटॉल से अच्छे से साफ कर रही हूँ क्योंकि साल में एक दफ़ा ही मैं इसकी सफाई कर रही होती हूँ। खैर, और मैं ये सारे बॉक्सेस को रखूँगी। हमारा ऑलमोस्ट सारा सेटअप हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा, आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा कि आप किस तरह से मेकअप रख सकते हो। सो या सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।